Hello learners, my name is Dr. Priya Mahajan and today we will discuss about the securities market. और आज के हमारे डिस्कशन में होगा मीनिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट, देन पार्टिसिपेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट, स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट और लास्ट में कुछ MCQs एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस टू चेक योर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट. तो सिक्योरिटीज़ मार्केट क्या है? सिक्योरिटी मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर कंपनीज कैन रेज फंड्स बाई इशूइंग सिक्योरिटीज़. कौन सी सिक्योरिटीज़? फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ लाइक इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा टू द इन्वेस्टर्स. एंड ऑल्सो इज़ अ प्लेस वेयर इन्वेस्टर्स कैन बाय और सेल वेरियस सिक्योरिटीज़ लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा. सो वंस द शेयर्स आर इशू टू द पब्लिक, द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू लिस्ट द शेयर्स ऑन द रिकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंज. सो एक बार कंपनी जब शेयर्स अपने इशू कर देती है, देन इट्स कंपल्सरी फॉर द कंपनी कि वो अपने जो शेयर्स है उसको रिकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करे. लाइक NSE, BSE स्टॉक एक्सचेंजेस आपने नाम सुना ही होगा. तो जब तक शेयर्स लिस्ट नहीं होते किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, तब तक शेयर्स की ट्रेडिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है. सिक्योरिटी मार्केट इज़ दस अ पार्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट. 90s में जब लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ इंडिया में, इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हुए, तो फाइनेंशियल सेक्टर मार्केट में भी काफ़ी सारे रिफॉर्म्स हुए. उसके बाद कंपनीज जो थी दे स्टार्टेड एक्सेसिंग सिक्योरिटीज़ मार्केट. पहले कंपनी फंड रेज करने के लिए बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंड करती थी, लोन लेती थी. बट जब सिक्योरिटीज़ मार्केट डेवलप होनी शुरू हो गई इंडिया में, देन दे स्टार्ट इशूइंग देयर शेयर्स और इस तरह से उन्होंने फंड्स और कैपिटल रेज करना स्टार्ट कर दिया. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द पार्टिसिपेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट. तो सिक्योरिटीज़ मार्केट के कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं? फर्स्ट इज़ द इशूअर्स. इशूअर्स कौन होते हैं? जो इशू करते हैं सिक्योरिटीज़, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं, दे आर कॉल्ड इशूअर्स. लाइक कंपनीज़ हो गई, कंपनी में बहुत पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज़, देन गवर्नमेंट ऑल्सो इशू द सिक्योरिटीज़. उसके अलावा बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दे ऑल्सो इशू सिक्योरिटीज़, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़. तो इनको इशूअर्स कहा जाता है. देन देर आर इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं इन फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ में, लाइक इंडिविजुअल्स हो गए. इसके अलावा कंपनीज़ भी इन्वेस्ट करती है. कंपनी के पास जब एक्सेस फंड्स होता है, एक्सेस मनी होती है, तो वो दूसरी कंपनीज़ में भी इन्वेस्ट करती है. गवर्नमेंट ऑल्सो इन्वेस्ट इन अदर कंपनीज़ एंड अदर सिक्योरिटीज़ ऑल्सो. देन वी हैव इंटरमीडियरीज. इंटरमीडियरीज होते हैं, दे आर लिंक बिटवीन इशूअर्स एंड इन्वेस्टर्स. तो इंटरमीडियरीज लाइक अंडरराइटर्स हो गए, ब्रोकर्स हो गए, डिपॉजिटरीज हो गए. सो दीज आर द इंटरमीडियरीज. देन रेगुलेटर्स. रेगुलेटर्स होते हैं जो जो सिक्योरिटीज़ मार्केट को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, लाइक बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड जो भी डीलिंग्स होती है. इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना, ब्रोकर्स को रेगुलेट करना. तो दे आर नोन एज रेगुलेटर. एंड सिक्योरिटी मार्केट में जो सेबी है, दैट इज़ सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इज़ द रेगुलेटर इन द सिक्योरिटीज़ मार्केट. नेक्स्ट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट. सो आप देख सकते हैं सिक्योरिटीज़ मार्केट का स्ट्रक्चर. इसमें इक्विटी मार्केट है, डेट मार्केट, डेरिवेटिव्स मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स. इक्विटी मार्केट के फर्दर दो सेगमेंट्स हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. देन वी हैव डेट मार्केट. डेट मार्केट बनता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट और बॉन्ड मार्केट को मिला के बनता है डेट मार्केट. और डेट मार्केट में भी वी हैव प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. देन देयर इज़ द डेरिवेटिव मार्केट. डेरिवेटिव मार्केट होता है बेसिकली फॉर द रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स. जो इन्वेस्टर्स रिस्क नहीं लेना चाहते, फॉर देम देयर इज़ अ डेरिवेटिव मार्केट. एंड देन वी हैव म्यूचुअल फंड्स फॉर स्मॉल इन्वेस्टर. म्यूचुअल फंड्स आर देयर. सो अब हम एक एक करके इन सब मार्केट्स को देखते हैं, पढ़ते हैं. सो सबसे पहला आता है इक्विटी मार्केट. सो नाउ व्हाट इज़ इक्विटी मार्केट? इक्विटी मार्केट इज़ आल्सो कॉल्ड शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट. इज़ अ मार्केट वेयर द इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनीज आर इशूड एंड ट्रेडेड इधर थ्रू द स्टॉक एक्सचेंजेस और थ्रू द ब्रोकर्स. और इक्विटी मार्केट, इक्विटी शेयर्स आर द मेन सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इट रिप्रेजेंट द रियल ओनरशिप ऑफ अ कंपनी. सो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड द ओनर्स ऑफ द कंपनी और दे हैव वोटिंग राइट्स एंड दे ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द कंपनी. देन इक्विटी मार्केट इन इंडिया, इंडियन इक्विटी मार्केट जो है उसको पॉपुलरली इंडियन स्टॉक मार्केट भी कहते हैं. एंड इंडियन इक्विटी मार्केट इज़ द थर्ड बिगेस्ट मार्केट आफ्टर चाइना एंड हॉन्गकॉन्ग इन द एशियन रीजन.
इक्विटी मार्केट के फर्दर जो दो सेगमेंट्स हैं दे आर प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। सो पहले हम देखते हैं प्राइमरी मार्केट क्या है। प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी कहा जाता है। इन द प्राइमरी मार्केट सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड टू द इन्वेस्टर फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग कैपिटल और फंड्स। तो प्राइमरी मार्केट में जो कंपनीज होती है वो शेयर्स और जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज होती है डायरेक्टली पब्लिक को ऑफर करती है फॉर सब्सक्रिप्शन। और इन शेयर्स को ऑफर करने से पहले कुछ सेबी की गाइडलाइंस होती है, जो जो भी कंडीशंस होती है सेबी की, कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल दैट कंडीशंस बिफोर इशूइंग शेयर्स टू द पब्लिक। तीन तरह से कंपनीज जो है वो कैपिटल रेज कर सकती है प्राइमरी मार्केट में, पब्लिक इशू के थ्रू, राइट इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि पब्लिक इशू क्या है। सो पब्लिक इशू मीन एन इनिशियल पब्लिक ऑफर जिसको हम IPO भी कहते हैं और फर्दर पब्लिक ऑफर FPO। सो IPO क्या है? IPO है जब कोई नई कंपनी मार्केट में आती है तो उसको कंपनी को चलाने के लिए फंड्स चाहिए होते हैं, कैपिटल चाहिए होती है, तो कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में लॉन्च करती है, तो दैट इज़ कॉल्ड IPO। तो IPO के थ्रू, इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू, कंपनीज जो है वो पब्लिक से फंड्स जो है वो रेज करती है। फर्दर पब्लिक ऑफर होता है कि कोई ऑलरेडी एग्जिस्टेड कंपनी है, उसके ऑलरेडी शेयर्स मार्केट में है, अब ना कंपनी अपने आप को एक्सपैंड करना चाहती है, अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहती है, तो उसके लिए वो दोबारा से मार्केट में कोई अपने शेयर्स लाती है और उसके थ्रू जब वो फंड रेज करती है दैट इज़ कॉल्ड द फर्दर पब्लिक ऑफर और FPO। नेक्स्ट इज़ द राइट इशू। राइट इशू इज़ व्हेन कंपनी जो नए सिक्योरिटीज़ इशू करती है जो उसके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, मींस जो कंपनी के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, सबसे पहले कंपनी उनको शेयर ऑफर करती है एट द डिस्काउंटेड रेट। तो जनरली कंपनीज जो है वो राइट इशू करती है टू एक्सपैंड, डाइवर्सिफाई और स्ट्रक्चर देयर बैलेंस शीट। देन प्राइवेट प्लेसमेंट। इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट कंपनीज सिक्योरिटीज़ आर डायरेक्टली ऑफर टू द स्मॉल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स थ्रू द मर्चेंट बैंकर्स और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। तो कंपनीज डायरेक्टली सिलेक्टेड लोगों को, सिलेक्टेड पर्सन्स को प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनीज जो होती है वो शेयर्स ऑफर करती है। तो बेसिकली कंपनी किनको उनको शेयर्स ऑफर करती है, जैसे कि कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, लाइक बैंक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, प्रोविडेंट फंड एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो दीज आर कॉल्ड द प्राइवेट प्लेसमेंट, जब कंपनी इनको डायरेक्टली शेयर्स ऑफर करती है इंस्टेड ऑफ पब्लिक इशू लाने के बजाय इन लोगों को, इन पर्सन्स को शेयर्स इशू किए जाते हैं। सो दिस इज इक्विटी मार्केट, दिस इज प्राइमरी मार्केट। देन वी हैव द सेकेंडरी मार्केट। सो सेकेंडरी मार्केट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टॉक मार्केट वेयर एग्जिस्टिंग लिस्टेड सिक्योरिटीज आर ट्रेडिड। प्राइमरी मार्केट में जहाँ पे कैपिटल क्रिएशन होता है, मतलब नया फंड मार्केट में आता है, सेकेंडरी मार्केट में फंड क्रिएट नहीं होता, सेकेंडरी मार्केट में जो शेयर्स ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्टेड है उनकी ट्रेडिंग होती है। सपोज आपके पास शेयर्स पड़े हुए हैं एंड यू वांट टू सेल योर शेयर्स, आपको लिक्विडिटी चाहिए, आपको मनी चाहिए, आप शेयर्स सेल करना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, आप सेकेंडरी मार्केट में थ्रू ब्रोकर्स जो है वो अपने शेयर्स सेल करेंगे। In India, the secondary market consists of recognized stock exchanges operating under the rules and regulations approved by the government. These stock exchanges are organized market where securities issued by state and central governments, public bodies and joint stock companies are traded. Agli market hai debt market. So debt market refers the market where fixed income securities, like fixed income securities kaun si hoti hai, like debentures ho gaye, बॉन्ड्स हो गए, दीज आर कॉल्ड द फिक्स इनकम सिक्योरिटीज। तो इन सिक्योरिटीज़ को इशू किया जाता है और इनकी ट्रेडिंग होती है डेट मार्केट में। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ आर इशूड बाय गवर्नमेंट, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस एंड कमर्शियल एंटिटीज़ लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स एंड कंपनीज। डेट सिक्योरिटीज़ आर इशूड फॉर अ फिक्स्ड टर्म एट द एंड ऑफ विच द सिक्योरिटीज़ कैन बी रिडीम्ड बाय द इशूअर ऑफ द सिक्योरिटीज। ये जो डेट सिक्योरिटीज़ होती है, ये जो बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स होते हैं, ये फिक्स पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं। जब इनका टर्म ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद इनको रिडीम कर लिया जाता है और जो इन्वेस्टर्स होता है उसको उसकी मनी वापस कर दी जाती है विथ इंटरेस्ट। दीज मार्केट्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंड स्पेशली इन अ डेवलपिंग इकॉनमी लाइक इंडिया। और इंडिया की जो डेट मार्केट है दैट इज़ द लार्जेस्ट मार्केट इन एशिया। सबसे बड़ी डेट मार्केट है इंडिया की एशिया में। डेट मार्केट को हम क्लासिफाई करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट एंड कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट में।
सो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट से मिलता है, से मिलकर बनता है डेट मार्केट. एंड डेट मार्केट में, डेट मार्केट भी बहुत प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में डील करती है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट क्या होती है. सो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, इट कंजिस्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एंड इट मीन्स द लोन आर टेकन बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज इश्यू करती है, आपने सुना होगा नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स होते हैं, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, तो इनको गवर्नमेंट इशू करके इनके थ्रू जो गवर्नमेंट है वो फंड रेज करती है. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट अकाउंट फॉर मोर देन 90% ऑफ द टर्न ओवर इन द डेट मार्केट. डेट मार्केट में जितनी भी सेल्स होती है उसका 90% जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के थ्रू ही रेस किया जाता है. तो इट मीन्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट जो है एक इट्स अ वेरी बिग मार्केट, एंड सो इट कॉन्स्टिट्यूट द प्रिंसिपल सेगमेंट ऑफ द डेट मार्केट. तो काफ़ी बड़ी मार्केट है गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट की. 90% डेट मार्केट को गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट ही कवर करती है. नेक्स्ट वी हैव द बॉन्ड मार्केट. सो बॉन्ड मार्केट कंसिस्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बॉन्ड, corporate bonds and debentures, and public sector unit bonds. So these bonds are issued to meet the financial requirements at a fixed cost and hence remove uncertainty in financial cost. तो एक फिक्स्ड कॉस्ट पे ये बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, मतलब आफ्टर 6 month और ईयरली इंटरेस्ट बेसिस पे ये बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं. और द इंडियन बॉन्ड मार्केट मेजर्ड बाय द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द बॉन्ड्स आउटस्टैंडिंग इज नेक्स्ट ओनली टू द जैपनीज एंड कोरियन बॉन्ड मार्केट इन एशिया. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेगमेंट्स ऑफ द डेट मार्केट. तो इक्विटी मार्केट की तरह डेट मार्केट में भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेगमेंट्स होते हैं. इन द प्राइमरी सेगमेंट न्यू डेट इशूज आर फ्लोटेड इधर थ्रू पब्लिक प्रोस्पेक्टर्स, राइट इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट. सो इक्विटी मार्केट की तरह ही आप देख सकते हो कि डेट मार्केट भी में भी जो डेट फ्लोट किए जाते हैं, डेट इशूज किए जाते हैं, वो तीन तरह से किए जाते हैं, लाइक पब्लिक इशू के थ्रू, राइट इशू के थ्रू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू. सेकेंडरी मार्केट में दैट इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडेड ऑन द OTCEI, दैट इज ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, देन द BSE एंड द होलसेल डेट मार्केट सेगमेंट ऑफ द NSE. द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड सेट अप ए सेपरेट सेगमेंट फॉर ट्रेडिंग इन द डेट सिक्योरिटीज नोन एज होलसेल डेट मार्केट सेगमेंट ऑफ द एक्सचेंज इन June 1994. तो NSE में एक डिफरेंट सेगमेंट है, होलसेल डेट मार्केट सेगमेंट, इसमें जो है डेट मार्केट्स की ट्रेडिंग होती है. देन प्रायर टू द सेपरेट सेगमेंट ऑफ द NSE, द ओनली ट्रेडिंग मैकेनिज्म अवेलेबल इन द डेट मार्केट वॉज द टेलीफोन. तो इससे पहले टेलीफोन के थ्रू ही डेट मार्केट की ट्रेडिंग, डेट सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती थी इंडिया में. द NSE प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री एन ऑनलाइन ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड सिस्टम नोन एज NEET, दैट इज नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स. सो दीज आर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेगमेंट्स ऑफ डेट मार्केट. नेक्स्ट वी हैव डेरिवेटिव मार्केट. जैसे कि आपको पता है कि सिक्योरिटी मार्केट इज़ वेरी रिस्की, काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट है. प्राइसेस आप शेयर्स की प्राइसेस अप एंड डाउन जाती होती रहती है. तो दे आर सम रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स. कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते. उनके लिए जो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स हैं उनको उनको प्रोटेक्ट करने के लिए डेरिवेटिव मार्केट जो थे वो एग्जिस्टेंस में आए. 2000 में डेरिवेटिव मार्केट्स जो थे वो ऑफिशियली ऑपरेट होना शुरू हुए. सो डेरिवेटिव इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू और मोर पार्टीज एंड हुज वैल्यू इज डराइव्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग वाइडली हेल्ड एंड इजिली मार्केटेबल एसेट्स. और ये एसेट्स कौन सी होती है, लाइक शेयर्स, डेट सिक्योरिटीज, कमोडिटीज इंडेक्स और सिक्योरिटीज एक्सेट्रा. डेरिवेटिव आर यूज्ड फॉर स्पेकुलेशंस एंड हेजिंग पर्पस. तो स्पेकुलेटर्स जो होते हैं, ट्रेडर्स जो होते हैं डेरिवेटिव मार्केट में, प्राइसेस की अप एंड डाउन की बेसिस पे अपना प्रॉफिट बुक करते हैं. और हेजिंग पर्पस के लिए तो होती है डेरिवेटिव मार्केट, मींस हेजिंग मींस की रिस्क मैनेजमेंट के लिए. नेक्स्ट द मेन टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स आर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन. सो फ्यूचर क्या है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज ए स्टैंडर्डाइज्ड एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल एन अंडरलाइंग प्रोडक्ट एट ए प्री डिटरमिंड प्राइस. एंड ऑप्शन इज, ऑप्शन रेफर्स टू द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स द बायर ऑफ द ऑप्शन द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू एक्साइज द ऑप्शन एट अ प्री डिटर्मिन डेट एंड प्राइस.
सो दिस इज़ अबाउट द डेरिवेटिव मार्केट. नेक्स्ट वी हैव द म्यूचुअल फंड्स. सो म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड्स दे आर टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मेड अप ऑफ ए पूल ऑफ मनी कलेक्टेड फ्रॉम मैनी स्मॉल इन्वेस्टर्स. नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स आर लार्ज बट दे आर सेविंग बट दे आर द स्मॉल सेवर्स. सो दीज फंड्स आर देन इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटीज सच एज शेयर्स बॉन्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर एसेट्स. सो म्यूचुअल फंड्स में जो में लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे मनी कलेक्ट की जाती है, एक पूल बनाया जाता है, देन उस पूल को इन्वेस्ट किया जाता है डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में लाइक शेयर्स बॉन्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और अदर सिक्योरिटीज़ में. म्यूचुअल फंड्स आर आइडियल फॉर दोज इन्वेस्टर्स. तो म्यूचुअल फंड किन के लिए आइडियल है? दोज हु आर ऑफ लैक ऑफ नॉलेज और स्किल ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट डायरेक्टली. सो जिनको स्टॉक मार्केट की ज़्यादा नॉलेज नहीं है दे इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट थ्रू द म्यूचुअल फंड्स. देन दोज हु वॉन्ट टू ग्रो देयर वेल्थ बट डू नॉट हैव द इंक्लिनेशन और टाइम टू रिसर्च स्टॉक मार्केट. वो लोग वो इन्वेस्टर्स वो ट्रेडर्स जो कि अपनी वेल्थ तो इंक्रीज करना चाहते हैं बट उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो स्टॉक मार्केट को रिसर्च करें कि कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन से स्टॉक अच्छा कर रहे हैं, कौन से स्टॉक अच्छा नहीं कर रहे. तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि दे गिव देयर मनी टू द म्यूचुअल फंड्स एंड म्यूचुअल फंड फर्दर इन्वेस्ट देयर मनी इन द डिफरेंट सिक्योरिटीज़. देन दोज हु विश टू इन्वेस्ट ओनली स्मॉल अमाउंट्स. जो स्मॉल सेवर्स होते हैं जिनके पास स्मॉल सेविंग्स होती है कम अमाउंट होता है वो अगर वो अपना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दे इन्वेस्ट देयर मनी थ्रू द म्यूचुअल फंड्स. So this is all about the structure of the securities market. Next is the checklist. So देखते हैं हमने क्या पढ़ा अपने इस टॉपिक में. सो हमने पढ़ा कि सिक्योरिटीज मार्केट जो है दैट इज क्लासिफाइड इनटू इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट एंड फ्यूचुअल फंड्स. इन चार कंपोनेंट से बनता है सिक्योरिटी मार्केट. इक्विटी मार्केट जो है उसको शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट भी कहा जाता है. इक्विटी मार्केट में कंपनीज जो है अपने शेयर्स इशू करती है, देन उस इन शेयर्स की ट्रेडिंग होती है. ट्रेडिंग मीन बाइंग एंड सेलिंग होती है उन शेयर्स की थ्रू द एक्सचेंजेस, स्टॉक एक्सचेंजेस लाइक NSE एंड BSE और थ्रू द ब्रोकर्स. देन देयर इज अ डेट मार्केट. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट और बॉन्ड मार्केट को मिला के बनता है डेट मार्केट. एंड डेरिवेटिव मार्केट, जैसे मैंने बताया कि रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स के लिए डेरिवेटिव मार्केट जो थी वो एग्जिस्टेंस में आई. देन इन लास्ट वी हैव म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड जो है दैट इज़ फॉर द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द सिक्योरिटीज मार्केट. नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में मैंने MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं और कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिए हैं आपकी नॉलेज के लिए टू चेक यूर अंडरस्टैंडिंग. तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आप सब लोगों से कि आप वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे और जो करेक्ट आंसर्स है उनको अपने एनरोलमेंट नंबर और अपने नाम के साथ नीचे कमेंट बॉक्स सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करोगे. सो टिल द नेक्स्ट सेशन, बाय एंड हैप्पी लर्निंग.